नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएसवी आईटी एजुकेशन के चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप वीलुकअप का किस तरीके से डायनेमिक यूज कर सकते हैं। अगर लुकअप वैल्यू इस तरीके से आपके सामने है, जैसे यहाँ पे आप डेटा देखिएगा, ये जो टेबल है मेरे पास, इसमें केस नंबर है, कस्टमर नेम है और लोन नंबर है। और केस नंबर के अंदर से मैं जो न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं केवल ये मैं यहाँ पे टाइप करूँ और मेरे सामने यहाँ पे क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने किया 106, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। मैंने किया यहाँ पे 107, तो रिजल्ट आपके सामने है। अगर मैंने यहाँ पे किया 108, जो कि उस डिजिट्स में नहीं है, डेटा में नहीं है, तो आपके सामने ये मैसेज आ जाए, प्लीज चेक अगेन। तो किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे वीलुकअप का, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। काफ़ी काम का फॉर्मूला है, काफ़ी काम की ट्रिक है ये, और आपके जरूर काम आएगी अगर आप एक्सेल यूज करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आईडी डाल लेते हैं 105। यहाँ पे मैंने किया वीलुकअप का फॉर्मूला टाइप, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल आपको ले लेनी है, ठीक है, कोमा लगाना है। टेबल एरे में आपको ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको कोमा लगाना है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे पास ये वाला सेकंड नंबर है और ये वाला थर्ड नंबर है, तो मुझे क्या लेना है, यहाँ पे एक करली ब्रैकेट के अंदर टाइप करना है 2,3, और करली ब्रैकेट को क्लोज करना है। यहाँ पे लगाना है कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, तो 0 यहाँ पे लगानी है, ब्रैकेट कर देना है यहाँ पे क्लोज। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप सिंपल एंटर मार देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, इसी फॉर्मूले के अंदर एडिटिंग करनी है आपको, और यहाँ पे आपको स्टार लगाना है। देखिए ये जो सेल है, इसके पहले कोई टेक्स्ट ना हो, इसके बाद में कोई टेक्स्ट ना हो, तो यहाँ पे इस लुकअप वैल्यू के अंदर से ये सर्च करेगा। तो हमें क्या करना है, इन ये जो LIF और JPR लिखा हुआ है, इसे हम इनको हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यूज डबल कोट्स लगाना, आपको एस्टेरिक लगाना है, डबल कोट्स वापस लगाना है, और एंड का साइन लगाना है यहाँ पे। अब आपको चलना है इधर आगे, इस सेल के आगे चलना है, यहाँ पे आपको वापस एंड का साइन लगाना है, डबल कोट्स में आपको एस्टेरिक लगाना है, इस तरीके से इतना सा काम आपको करना है। ये स्टार क्या काम करता है, ये स्टार दोनों तरफ जो स्टार लगाए, ये काम कर रहा है कि इसके जो इस डिजिट न्यूमेरिकल जो डिजिट है, इसके पहले जो लिखा हुआ LIF और बाद में जो JPR, उसको क्या कर देता है, वो हाइड कर देता है, हिडन कर देता है। और हम केवल जो न्यूमेरिकल डिजिट यहाँ पे डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पे बता देगा। अब आप सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिएगा, एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने रिजल्ट आ गया, इसे आप ड्रैग कर दें आगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 106, तो मेरे पास 106 का रिजल्ट आ गया। मैंने टाइप किया 101, तो 101 का रिजल्ट आ गया। मैंने टाइप किया यहाँ पे 108, तो आपके सामने आ गया एरर, क्योंकि 108 यहाँ पे आईडी के अंदर है नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर इस आईडी में से कुछ भी आपको नहीं मिले, जो डेटा यहाँ पे डाले अगर इस आईडी में नहीं हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका एक कोई भी मैसेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप सेट करेंगे, मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में सिखाया आपको। तो यहाँ पे आप करेंगे वीलुकअप से पहले टाइप इफ एरर, यदि एरर आए तो क्या आपके सामने मैसेज आ जाए। तो यहाँ पे आपने टाइप किया इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करना है, और फॉर्मूले के बिल्कुल लास्ट में आ जाना है, लास्ट में कोमा लगा के आपको डबल कोट्स के अंदर जो आपने मैसेज सेट करना है वो आपको लिख देना। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्लीज चेक अगेन, डबल कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देना है। ये काम करके आपको एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने आ गया प्लीज चेक अगेन, इसे ड्रैग कर दें आगे। अभी यहाँ पे जो भी मैं आईडी डालूंगा, मुझे उसका रिजल्ट दिखाई देगा। 106 किया मैंने टाइप, 107 मैंने किया टाइप, अगर मैंने यहाँ पे किया 110, तो मेरे सामने क्या जाएगा, प्लीज चेक अगेन का मैसेज। तो इस फॉर्मूले का काफ़ी जगह पे आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी कंपनीज में, काफ़ी ऑफिसेज में इस तरीके की लुकअप वैल्यूज आपके सामने आएंगी, तो आपको केवल डिजिट्स डालनी है, यहाँ पे पूरा ये लुकअप वैल्यू टाइप नहीं करना है, तो काम को आपके काफ़ी आसान कर देगा ये फॉर्मूला। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।